Hello class three. Today in this video we are going to do the English literature chapter 12 house mouse. So class three, aaj hum log is video mein English literature ka chapter 12 house mouse padhenge. It is a nice story about a mouse whose dedication and love make even a rude woman happy and normal. इस कहानी में हम लोग देखेंगे किस प्रकार एक चूहा अपने डेडिकेशन से, अपने कर्म से एक नाखुश औरत को भी खुश कर देता है और उसे सामान्य बना देता है. So all of you open your book. आप सभी अपनी किताब खोल लें. So here I'm going to explain you the story of house mouse. मैं आपको house mouse का story यहाँ से read करने वाला हूँ और explain करने वाला हूँ. So pay attention, ध्यान से देखें. House mouse. Here is start the story. हम लोग पेज 80 में है, खोल लें. अब मैं रीड करने वाला हूं स्टोरी और एक्सप्लेन भी करूंगा. सो पे अटेंशन. मिसेस मेलोडी हैड नो चिल्ड्रन, नो फ्रेंड्स, नो ई, नो कैट, नो डॉग एंड नो पैरट. मिसेस मेलोडी एक औरत थी जो अकेली रहती थी. उसके ना ही कोई बच्चे थे, ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई संबंधी, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही उसका कोई पेट था कैट, ना ही कोई बिल्ली, ना ही कोई कुत्ता, ना ही कोई पैरट. यानी मिट्ठू. सो वो अकेली रहती थी, ना ही उसका कोई पालतू जानवर था, ना ही कोई लोग, ना ही रिश्तेदार, ना ही बच्चे. वो अकेली रहती थी मिसेस मेलोडी. और अकेले रह रह करना वो बहुत उदास और अंदर से गुस्सेल वाली हो चुकी थी. जब आपके साथ कोई नहीं रहता, कोई बात करने वाला ना हो, तो अंदर से गुस्सा आता है. तो इसी तरह मिसेस मेलोडी भी गुस्सेल वाली औरत बन गई थी, गुस्से करने वाली. शी लिव्ड अलोन. वो अकेली रहती थी. When people said good morning to her, she scowled. जब कोई लोग उसे good morning भी कह देता, तो वो पलट कर उसे good morning का जवाब हंस कर नहीं देती, बल्कि अपने भाव उठा लेती और गुस्से वाला चेहरा देती. When the postman brought her letters, she opened the door, the smallest crack to take them in, and banged it shut again. अगर पोस्टमैन यानी डाकिया वाला डाक भी लेकर आए, पत्र भी लेकर आए, तो वो पूरा दरवाजा नहीं खोलती, सिर्फ दरवाजे का थोड़ा सा हिस्सा खोलती और उस थोड़े से हिस्से से चिट्ठी लेती और फिर जोर से दरवाजा बंद कर देती. एंड बैंग इट शट अगेन. तो इस प्रकार की औरत थी मिसेस मेलोडी. आई होप शुरुआत फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ आया होगा. नाउ आई एम मूविंग अहेड. आप में आगे चलते हैं. ऑल डे लॉन्ग सी क्लीन्ड हर हाउस, वाइप्ड द विंडोज, पॉलिश द फर्नीचर एंड स्क्रब द सिंक. नोबडी एवर केम टू हर हाउस. तो मिसेस मेलोडी सारा दिन क्या करती रहती थी? मिसेस मेलोडी सारा दिन अपने घर को साफ करती रहती थी, खिड़कियों को पोछती रहती थी, फर्नीचरों को पॉलिश करती रहती थी, और वो जो बेसिन होता है जिसे हम लोग मुंह धोते हैं, जिसे सिंक कहते हैं, उसे घस घस कर साफ करती रहती थी. नोबडी एवर केम टू हर हाउस. उसके घर में कभी भी कोई नहीं आता था, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मेहमान उसका ना था, कोई भी नहीं आता था.
तो इस प्रकार मिसेस मेलेडी अपना सारा दिन गुजारती थी घर का काम काज करके। अंडर हर सिंक डेल लिव द माउस, और उसके जो बेसिन थे जो सिंक थे जिससे हम लोग मुंह हाथ धोते हैं उसके अंदर से एक पाइप जाया हुआ होता है सिंक के, वहां पर एक चूहा रहता था उस सिंक के अंदर। ही वॉज लोनली टू, वह चूहा भी बिल्कुल अकेला था मिसेस मेलेडी की तरह। ही डिड नो हार्म टू द हाउस, चूहा घर पे रहता तो था पर मिसेस मेलेडी के किसी भी सामान का नुकसान नहीं करता था, वो एक अच्छा चूहा था। ही डिडंट ईट द चीज, ना ही वो चीज खाता। ही डिडंट मेक द होल्स इन द वुड वर्क, ना ही किसी लकड़ी के सामान में या किसी सामान में वो होल करता। एंड ही डिडंट लीव डर्टी पाव मार्क्स ऑन द सेल्फ, और ना ही अपने पैरों के गंदे निशान देता था घर पे। ही फाउंड ऑल हिज फूड आउटडोर्स, वो चूहा अपने सभी खाना घर के बाहर जाकर खोजता और खाता। एंड केम इनडोर्स ओनली टू गेट सम कंपनी, और घर आता सिर्फ मिसेस मेलेडी का साथ पाने के लिए, पर मिसेस मेलेडी उसे समझ ही नहीं पाई। सो आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, यहाँ तक आप कहानी समझे होंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। बट मिसेस मेलेडी डिडंट लाइक माइस, मगर मिसेस मेलेडी को चूहे बिल्कुल भी पसंद ना थे। व्हेन शी कॉट द साइट ऑफ हिम शी येल्ड एज इफ अ टाइगर हैड कम इनटू द किचन, और जब भी वो किसी चूहे को अपने रसोईया घर में देखती तो वो इस प्रकार चिल्लाती थी जैसे लगता था कि उसने किसी शेर को देख लिया हो। दिस फ्राइटेन द माउस अवे, और मिसेस मेलेडी की चीख और ये व्यवहार और ये आवाजें सुनकर चूहा भी डर जाता और वो भाग जाता। बट द माउस डिड नॉट स्टे अवे फॉर सो लॉन्ग, वो भागता तो था चूहा पर ज्यादा देर तक वो बाहर नहीं रह पाता था। बिकॉज ही वॉज वेरी लोनली, क्योंकि वो चूहा भी बिल्कुल अकेला था, उसके कोई नहीं थे, इसलिए मिसेस मेलेडी से डर कर वो भाग तो जाता था पर फिर से वापस आ जाता था क्योंकि इस चूहे का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। सो ही केम बैक टू मिसेस मेलेडी एंड लिव्ड अंडर द सिंक एंड ट्राइड टू कीप आउट ऑफ हर वे, और इसलिए वो वापस आ जाता था और वापस उस सिंक में छुप जाता था जहां वो रहता था, और वो मिसेस मेलेडी के आसपास नहीं आता था। Till here you have understood. Now I'm moving ahead. अब मैं आगे चलता हूं। One day, एक दिन क्या हुआ देखते हैं। One day, Mrs. Melody spent the morning dusting everything in the house. एक दिन मिसेस मेलेडी ने अपना पूरा सुबह घर के सारे सामान साफ करने या डस्टिंग करने, यानी कि धूले धूला वूला जो जमा हुआ था गर्दा को साफ करने में उसने गुजार दिया। आफ्टरवर्ड्स शी वॉश द डस्टर्स, उसके बाद उसने डस्टर को साफ किया। यू नो डस्टर क्या होते हैं, जिससे पोछाई करने वाले जो सापी होते हैं ना, वो कपड़े जिससे साफ करते हैं उसे डस्टर कहते हैं। तो उसने पूरा मॉर्निंग डस्टिंग करने के बाद, धूले को साफ करने के बाद डस्टर से, डस्टर को धोकर सुखा डाला। आफ्टरवर्ड सी वॉश द डस्टर्स एंड हंग देम आउट साइड बाय साइड टू ड्राई ऑन द क्लोथ्स लाइंग इन द गार्डन। तो उसने सुबह काम करने के बाद डस्टर्स को, यानी कि उस पोछे को जिससे वो साफ करती थी, सारे को धोकर
धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया। लिनन इन द क्लॉथ लाइन इन द गार्डन, अपने गार्डन में सुखाने के लिए टांग दिया। देन सी एम्प्टीड आउट द सोपी वाटर बट ड्रॉप द सोप। उसके बाद उसने साबुन दानी जो होता है, जो साबुन दान जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं, वो सोपी सोपी होता है ना, मतलब वो थोड़ा गीला गीला होता है, बहुत पिछलता है, तो उसने साबुन को भी उठाया और उसे भी साफ किया, पर उसके कुछ फोटे जमीन पर गिर गए। और आपको मालूम है कि साबुन बहुत पिछला होता है। When she bent to pick it up, तो जैसे ही उसने साबुन को साफ करने के लिए साबुन दान उठाया, साबुन को उसने जमीन में गिरा दिया, उसके साथ उस साबुन के कुछ पानी भी जमीन पर गिर गए, जिससे जमीन थोड़ा गीला और पिछला हो चुका। When she bent to pick it up, जैसे ही वो साबुन को उठाने के लिए वो झुकी, she slipped, वो पिछल गई, and fell on the kitchen floor, और रसोई घर पर बहुत जोर से गिर गई, और उसने आवाज किया, बचाओ बचाओ, मर गई। बहुत जोर से उसे लगा। मिसेस मेलेडी एक बुरी औरत थी, यानी बुद्धि औरत थी, और आपको पता है कि बुद्धि औरत में ज्यादा ताकत नहीं होता, उन लोगों के हड्डी में ज्यादा ताकत नहीं होता, दम नहीं होता, अगर वो गिर जाए जोर से तो उसकी हड्डी टूट भी सकती है। ठीक इसी प्रकार मिसेस मेलेडी भी रसोई घर पर गिर गई, और उसे देखने वाला, बचाने वाला, वो तो अकेली रहती थी, कोई भी ना था। तो उसकी चीखें सुनकर द माउस वॉज स्कैर्ड टू फाइंड मिसेस मेलेडी लाइंग ऑन द फ्लोर। उसकी चीखें सुनकर चूहा जो सिंक में रहता था वो आ गया, और वो मिसेस मेलेडी को जमीन में गिरे हुए देखकर डर गया। द माउस वॉज स्कैर्ड टू फाइंड मिसेस मेलेडी लाइंग ऑन द फ्लोर विथ हर आईज शट। मिसेस मेलेडी की आंखें बंद थी, वो जमीन पर पड़ी हुई थी। चूहे ने सोचा, आई होप मिसेस मेलेडी जिंदा हो, मिसेस मेलेडी को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि चूहा, भले ही मिसेस मेलेडी चूहे को पसंद ना करे, पर चूहे मिसेस मेलेडी को पसंद करता था, उससे प्यार करता था, और अपने मालकिन के प्रति बहुत वफादार था, इसलिए वो चूहा डर गया। ही रैन राउंड एंड राउंड हर। वो जहां मिसेस मेलेडी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी रसोई घर में, उसके आजू बाजू वो घूमने लगा, देखने लगा मिसेस मेलेडी को हुआ क्या है। ही इवन टिक्ड हर चिन विद हिज शार्प लिटिल नोज। और वो मिसेस मेलेडी को उठाने के लिए उसके चिन पर नीचे में अपने मुंह से घसने लगा। बट नथिंग वुड वेक हर अप, पर फिर भी मिसेस मेलेडी ना उठी। व्हेन मिसेस मेलेडी डिड वेक अप, और जब मिसेस मेलेडी उठी, सी फाउंड सी कुड नॉट मूव। और जब मिसेस मेलेडी उठी तो उसे पता चला कि वो हिल नहीं पा रही है, वो उठ नहीं पा रही है, उसका एक पांव काम नहीं कर रहा। तब मिसेस मेलेडी उस चूहे को अपने सामने देखती है और कहती है, ओ लिटिल माउस, इफ ओनली यू आर एबल टू हेल्प मी, सी सैड। ओ लिटिल माउस, ओ चूहे, काश तुम मेरी मदद कर पाते, काश तुम मेरे मदद करने लायक होते, she said, if you are a cat, अगर तुम बिल्ली होते,